1978 में बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था। वो सॉन्ग था ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इस गाने को गुनगुनाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या किडनी रोगी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी बस एक छोटे से क्लिक में। और आज हम बात करने वाले हैं नहाने के बारे में। वैसे वीडियो के शुरू में मैंने जिस गाने की लाइंस बोली थी, आप जरा कमेंट सेक्शन में उस मूवी का नाम बताइए, मैं भूल गई हूँ। तब तक मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो और जानते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाने के सबसे पहले फायदे के बारे में, जो कि है इम्यून सिस्टम मजबूत होना। एक स्टडी के अनुसार ऐसे लोग जो ठंडे पानी से नहाते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ भी जाएं तो ज्यादा दिनों तक वो बीमार नहीं रहते। दरअसल ठंडे पानी में नहाने से बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और बॉडी एक्टिव रहती है, जिससे अंदर से थकान दूर होती है और फिर इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे दादा नाना सभी लोग ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से ही नहाया करते थे और वो तब भी एकदम स्वस्थ रहते थे। वहीं हमारे जवान भी अक्सर ठंडे पानी से ही नहाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है इस बारे में जितना भी कहें उतना कम है। ठंडे पानी से नहाने का दूसरा फायदा है कि इससे बॉडी में होने वाले पेन में आराम मिलता है। एक मेडिकल कॉलेज में हुई स्टडी के अनुसार ठंडे पानी से नहाना दर्द को दूर करने में लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। ठंडे पानी से नहाने से रक्त की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सूजन और पानी वाली सूजन यानी एडिमा को कम करने में मदद मिलती है। ठंडा पानी चोट लगने के इम्पल्स के कारण आने वाले संकेतों की गति को धीमा कर सकता है। इसकी वजह से नर्व्स ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाने का वक्त कम हो जाता है। इसकी वजह से लोगों का दर्द की तरफ कम ध्यान जाता है। वैसे अब अगर आपका मूड ऑफ हो जाए तो आप ठंडे पानी से नहा लेना, क्योंकि कुछ रिसर्चर ने रिसर्च में पाया है कि ठंडे पानी से नहाने से मूड बूस्ट होता है। ठंडे पानी से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि हमारे मूड को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका मूड बूस्ट होने लगता है। तो ये था ठंडे पानी से नहाने का तीसरा फायदा। लेकिन अब बात आती है कि क्या किडनी रोगी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है नहीं, किडनी रोगी को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, खासकर ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से किडनी रोगी को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, गर्मियों के मौसम में किडनी रोगी सिर्फ दिन के समय में हल्के ठंडे पानी से नहा सकते हैं। तो ये थी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वैसे क्या आपको मालूम हुआ कि मूवी का नाम क्या था? मुझे तो अभी तक याद नहीं आया। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप चैनल की किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जी सर, किडनी में आपकी क्या क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आपको? खाना पीना तो ठीक ठाक खा रहे हैं और चलना फिरना शुरू हो गया, और चेहरे में कुछ मतलब है लगा कि हम रौनक सी गई। अच्छा, पहले कितनी बार डायलिसिस करा रहे थे आप? दो बार। आप कितनी बार करा रहे हैं? अभी एक बार करा। दवाई लिए हुए कितना समय हो गया आपको? ये 10 तारीख को 2 महीने हो गए। 2 महीने में 2 बार से एक बार डायलिसिस हो गया। सूजन में कमी नज़र आ रही है जितनी सूजन पहले थी? हाँ, सूजन में कमी। और क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आप? इम्प्रूवमेंट फिर तो साफ हो गया और चलना फिरना शुरू हुआ। चलना फिरना शुरू, पहले चल पा रही थी। हाँ, दवाई से इम्प्रूवमेंट है चलने फिरने घूमने में? इम्प्रूवमेंट तो फिर दिखेगा। और कोई इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहें? और कोई इम्प्रूवमेंट?